0.2 gram sample of H2O2 require 10 ml of one normal KMnO4 in titration in the presence of H2SO4 purity of H2O2. ठीक है, देखो H2O2 का एक सैंपल है, सैंपल का मास दे रखा है 0.2 ग्राम्स। इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम क्या है? H2SO4 है। ठीक है, तो KMnO4 Mn+2 में चला जाएगा और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2SO4 का क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन करवा देगा और H2SO4 ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा? O2 में जाएगा। ठीक है, -1 से 0 में। ठीक है, अभी एक रेडॉक्स रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम कितनी है? 0.01 लीटर। नॉर्मेलिटी कितनी है? 1 नॉर्मल है। और H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम क्या लिख देंगे? मोल इनटू n फैक्टर। ठीक है, और इसका n फैक्टर कितना है? यहाँ पे चेंज 1 का है इनटू 2 है। ठीक है, तो मोल कितने आ जाएंगे? 0.01 डिवाइड बाय 2। ठीक है, हमने मोल निकाल लिए, हम मास निकालेंगे H2O2 का। हमें सैंपल का मास दे रखा था, अब हम वो मास निकालेंगे जो रिएक्ट करा, क्योंकि सैंपल में H2O2 प्लस कुछ इंप्योरिटी है और जो H2O2 है वही रिएक्शन देगा, इंप्योरिटी तो देगी नहीं। तो इसीलिए हमने क्या निकाला? रिएक्शन से H2O2 का मास निकाल लिया है। ठीक है, तो मोल कितने आए थे? 0.1/2। अगर इसको मोलर मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ H2O2 आ जाएगा ना, तो 17 यानी 0.17 ग्राम। ठीक है, तो देखो जी, अब मुझे क्या निकालनी है? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, यानी H2O2 का सैंपल है, यानी प्योर मास ऑफ H2O2 डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। यही तो होता है ना परसेंटेज प्योरिटी, प्योर अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक है, प्योर कितना है? 0.17 ग्राम से टोटल 0.20 इनटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 85। ठीक है, एक जीरो से करेंगे, इसका मतलब 85%। ठीक है, तो 14 का कौन सा वाला ऑप्शन सही है? बी वाला।